गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोरर वेपिन। और आज हम एक बार फिर अपने ऑफिस जा रहे हैं और एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि माइलेज का कोशिश करेंगे। हमारा जो रिकॉर्ड था 24.9 KMPL, वो एवरेज जो हमने निकाला था लास्ट टाइम, एक बार आपको दिखा रखा है पुराने वीडियो में, अगर वो माइलेज हम तोड़ पाते हैं तो हमारे लिए भी एक रिकॉर्ड होगा। तो कोशिश करते हैं हम, और कोशिश करूंगा कि मैं दिन में जब लौटेंगे हम ऑफिस से वापस से मॉर्निंग में, तो हम एक और कैमरा सेटअप करेंगे मेरे ऑडोमीटर पे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हाँ, और आपको सीक्रेट भी पता चल जाएगा कि मैं कितनी गाड़ी चलाता हूँ, किस हिसाब से चलाता हूँ, किस स्पीड पे चलाता हूँ, कितने RPM पे चलाता हूँ, जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि टर्बो इंजन से मैं इतना एवरेज कैसे निकाल पा रहा हूँ। अभी भी लोगों को डाउट है, अभी भी लोगों को ये लगता है कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर हो सकता है मैं फेक बता रहा हूँ वीडियो। मैं अगर बोल सकता हूँ कि मेरा अगर ये गाड़ी मैंने ली है और ओनरशिप के साथ में मैं इतने रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो एक जेन्युइन अपडेट्स हैं सबके लिए कि गाड़ी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। बहुत से लोग की राय है कि सर्विस सेंटर कम है, बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, बट मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। हाँ, कुछ ओनरशिप और डीलरशिप के इशूज़ हैं, वो मैं आपको साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा इन फ्यूचर। अभी मैं चाहता हूँ कि कुल गाड़ी में कॉन्सेंट्रेट करूँ, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी की क्वालिटी, गाड़ी की राइड क्वालिटी का कंफर्ट, मैं इसके बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोगों के चाहेंगे तो मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ रफ एक्सपीरियंस जो थे मेरे डीलरशिप के साथ, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। हाँ, डीलरशिप कम है इसकी, सर्विस सेंटर कम है इसके, बट दोनों में डिफरेंस है यार। डीलरशिप अपना सेल्स कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट टू डिफरेंट वेरी करता है कि आप कहाँ पर है ले रहे हैं, डीलरशिप से आपका कम्युनिकेशन कैसा है और आपकी रिसर्च कितनी है बिफोर गोइंग फॉर परचेज कार। बट अगर आप सेल्स बात करें तो मैं जिस जगह से विजिट कर चुका हूँ, मोती नगर में, न्यू दिल्ली में, उनका सेल्स एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैं 2 बार विजिट कर चुका हूँ और दोनों बार की मैंने वीडियो डाली है, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे और आप देख सकते हैं कि मेरी सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर सेल्स। फर्स्ट सर्विस मेरी हो चुकी है 2000 किलोमीटर की, अब जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो होगी 10000 किलोमीटर पे, और बिटवीन द टाइम अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक बार फिर विजिट करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी के अपडेट्स आए हुए हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं कंपनी की तरफ से, बट उसमें लगेगा बहुत टाइम, एटलीस्ट पूरा 1 दिन लग जाएगा बोल रहे थे वो, तो मुझे इतना टाइम था नहीं लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था। तो कोशिश करेंगे जब भी वो अपडेट होगी और जिस टाइम पे भी हमें टाइम मिलेगा एक बार विजिट करेंगे, और वो भी एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फॉर टाइम बिंग आज हम चलते हैं, क्योंकि हो रखा है टाइम, हो रखा है अराउंड 11:22, और लेट्स सी कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि शनिवार जरूर है, बट मैं कह सकता हूँ कि जो महिपालपुर का ब्रेक जो ट्रैफिक है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था कि जो अपडेट्स चल रही हैं, जो एक्सप्रेसवे की हालत है, वो वीकेंड में भी सेम है, वीकडेज की तरह। बाकी मॉर्निंग में आई होप सो कि संडे का मॉर्निंग रहेगी तो अच्छा मिलेगा हमें, ट्रैफिक कम मिलेगा तो माइलेज और अच्छा निकल सकता है। अभी भी हम कोशिश करते हैं और बताएंगे कि माइलेज क्या जा रहा है। सुबह के टाइम में हम एक और कैमरा सेटअप करेंगे अपने ऑडोमीटर पर, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं गाड़ी का स्टाइल क्या है मेरा गाड़ी चलाने का। तो चलते हैं और फटाफट से आपको अपडेट देते हैं। अभी नाइट की वीडियो बनाते हैं और उसके बाद दिन में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कैमरा सेटअप करेंगे मोडोमीटर पे और ये करेंगे हम अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो लेट्स गो एंड कंटिन्यू। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके ही कमेंट्स से, आपके ही इंस्पिरेशन से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। मैं सोचता रहता हूँ कि यार मैं इस गाड़ी का ओनरशिप लिया है तो क्या आपको ऐसी अपडेट्स दूँ जो आपको पता नहीं हो, जो और लोगों ने बनाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे यूनिक जो C3 रिकॉर्ड्स के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं और जिस कंटेंट्स पे बनाया है, वो शायद किसी और ने नहीं बनाया। ओनरशिप बहुत से लोगों के पास है बट दे नॉट लाइक मी, कि वो मेरे तरह नहीं है कि मेरे तरह बना सकते हैं वीडियोज़। कोशिश करते हैं, बट मेरा पास कुछ एक्सपीरियंस है यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने का, और आई होप सो कि 2 साल के मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं इस यूट्यूब के चैनल को, दिसंबर में हो जाएंगे, तो वो एक्सपीरियंस मैं शो करना चाहता हूँ इस गाड़ी को प्रमोट करने के लिए। हो सकता है सेल्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का ख़राब हो सकता है, मेरा हुआ है, पर सर्विस का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जिनको भी डाउट है सेल्स सर्विस का, उसका डेफिनेटली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी डाउट्स थे वो मैंने ऑलरेडी मेरे अपने क्लियर कर लिए थे, तभी मैं इस गाड़ी को परचेज़ कर पाया। कंपैरिजन बहुत सारा है यार, मैं बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में इसमें ऐसा क्या है जो आप किसके थ्रू जा सकते हैं। बहुत लोगों के डाउट होते हैं यार, डाउट्स हमेशा रहेंगे, बट कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो 4 साल ही गाड़ी ने लिए हैं इस गाड़ी को आने में, और उसके बाद भी गाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया में। 4 साल में 4 वेरियंट लाना इज़ नॉट ईजी। हिंडई है, मारुति है, ये गाड़ियाँ आ तो रही हैं, ऑलरेडी हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं इंडिया में, बट कहीं ना कहीं इतना क्राउड है वहाँ पर सर्विस सेंटर्स में और सेल्स में कि वो आपकी सुनते नहीं, वेटिंग इतनी ज़्यादा है, आपके बारे में सुनते नहीं। बट इस गाड़ी के बारे में ऐसे सर्विस सेंटर में जाएँ, आपको प्रायोरिटी मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि
कोई किसी चीज़ में, आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट एक टेस्ट ड्राइव ले लीजिए अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे, और उसके बाद कंपैरिजन कीजिए दूसरी गाड़ियों से इसका। चलिए अभी ये फिलहाल के बहुत सारी बातें हो गई, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी माइलेज की वीडियो, और डेफिनेटली मैं इसमें ऐड करूँगा मॉर्निंग की वीडियो भी, तो दोनों वीडियो कंबाइंड होंगी, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 5 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए थैंक यू। तो गाइस देखिए अभी भी 37 मिनट दिखा रहा है 27 किलोमीटर के, इसका मतलब है कि हमें मिलने वाला है थोड़ा ट्रैफिक, फिर भी कोशिश करेंगे कि इस ट्रैफिक को हम अवॉइड कर पाएँ, कोशिश कर पाएँ कि इस माइलेज में इसमें भी अच्छा माइलेज निकाल पाएँ। तो 37 मिनट का 27 किलोमीटर के लिए चलते हैं और बताते हैं आपको नए अपडेट। दोस्तों यार हर कोई गाड़ी लेना चाहता है, अच्छी बड़ी गाड़ी और पावरफुल गाड़ी, बट कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि इसमें सेविंग भी हो जाए, माइलेज भी मिल जाए। तो वो इतना इजी नहीं है जब तक कि आपको पता ना हो कि पावर और इफिशियंसी जो बोलते हैं आप माइलेज, वो दोनों एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए पावर तो आप उसको यूज़ करें, वो हर गाड़ी में मिलता नहीं है ऑप्शन, इस गाड़ी में वो ऑप्शन है। मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होती है पावर की तो वो इजीली निकल सकता है इस गाड़ी से, और जब चाहिए इसमें एफिशिएंसी माइलेज वो भी बड़े आराम से निकलता है। अगर आपको जल्दी नहीं है कहीं जाने की, आपको टेंशन नहीं दिखाना, आपको किसी को ये प्रूफ नहीं करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने इंजॉय करते हुए गाड़ी को चलाइए, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं। चलिए फटाफट से हम अपना माइलोमीटर, मैंने दिखाया नहीं आपको, एक बार मैं दिखा देता हूँ। Continue on Benito Juarez Mark for 1 kilometer. तो हमारा आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था इसको करना। ये हमारा माइलोमीटर, इसको हम करते हैं 0। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी वाला है वो उसको हमने 0 कर दिया है, और यहाँ दिखा रहा है 37 किलोमीटर मिनट 26 किलोमीटर के लिए। तो करते हैं इसको स्टार्ट अगेन। दोस्तों यार इसकी राइड क्वालिटी में मुझे कोई इशू नहीं लगा, बिल्ड क्वालिटी इज ऑसम। मैंने और गाड़ियां भी चलाई हैं, हो सकता है आप लोगों की तरह ना चलाई हो अच्छी गाड़ियां, जो कह सकते हैं आप महंगी गाड़ियां, बट सेल्टोस मैंने चलाई है ऑलरेडी, स्विफ्ट डिजायर ऑलरेडी मेरे पास थी, नई गाड़ी आपके आई है तो वो मैं कह नहीं सकता, उसकी क्वालिटी अभी तक मैंने चेक नहीं करी है। क्रेटा मैंने चलाई है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए अगर आपके है तो मैं मना नहीं करूँगा, आप उनके थ्रू जाइए, बट अगर आप 1-2 लाख रुपए बचा सकते हैं, 12 लाख के अंदर आपको ऐसी गाड़ी मिल सकती है जिसमें टर्बो चार इंजन है, माइलेज भी दे रहा है, पावर भी दे रहा है। जितने भी आप इसके वीडियोस देखेंगे C3 Aircross के, शायद ही कोई यूट्यूबर ऐसा होगा जो उसकी राइड क्वालिटी और कंफर्ट को माइनस में देगा पॉइंट्स। मुझे लगता है कि ये गाड़ी बहुत कुछ कर सकती है, और जितने भी इसके यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं इसका एक एडवांटेज यही रहा है कि इसकी राइड क्वालिटी कम्फर्ट बहुत ही अच्छा है, सस्पेंशन का कोई कंपेरिजन नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में, तो ये बहुत सारी मैटर करती हैं चीज़ें यार। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता था कि पहले तो 2 लाख रुपए मुझे बचाने थे, 2-2.5 लाख रुपए बचे हैं, दूसरा कि जो चीज़ें इसमें मिल रही हैं वो सेल्टोस में मिलती है पर वो 14 लाख प्लस का वेरिएंट होता है जो मेरे बजट से बाहर था। सब कुछ मैटर करता है कि आपका बजट क्या है, अगर आपका बजट 14-15 लाख का है आप ले सकते हैं तो सेल्टोस में जाइए, नो इशू, बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, सर्विस डीलरशिप सब कुछ सही है, बट अगर आप 2-2.5 लाख बचा पा रहे हैं और उसके बाद भी फीचर्स थोड़ा कम है, बट मुझे लगता है जो रिक्वायर्ड फीचर जितने होते हैं वो सारे हैं इसमें, सेफ्टी फीचर्स अब नए वाले वेरिएंट में आ गए हैं तो उसमें आपको शायद सेविंग कम होगी, उसमें 6 एयरबैग्स आ गए हैं, बाकी फीचर जो चाहिए वो आ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट जब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इसकी सेविंग्स है वो और कंपैरिजन टू अदर ब्रांड बड़े, आपको आसानी से आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप डीलरशिप में विजिट करिए, गाड़ी लेते वक्त कभी भी जल्दबाजी मत करिए, प्रॉपर आप उसको कंपैरिजन करिए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लीजिए, और इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैं गारंटी से कहूँगा कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं इसलिए इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहा कि मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी ली है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि डिफरेंस क्या है। तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर बनती है, आप एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए किसी भी गाड़ी की, उसके बाद इसको लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं इतना क्यों कह रहा हूँ गाड़ी के बारे में।
गाड़ी के रिव्यूज तो सब लोगों ने बनाए हैं, जितने भी लोग आप देखेंगे यूट्यूबर्स थे, 100 में से आपको केवल 3 या 4 वीडियोज या 5 वीडियोज मिलेंगे जो ओनरशिप के हैं। बाकी सारे आपके वीडियोज जो होंगे इस गाड़ी के वो होंगे आपके प्रॉपर यूट्यूबर्स के जो गाड़ी के रिव्यूज करते हैं रेगुलर। तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है कि गाड़ी आप पे रेगुलर नहीं है, उसके बाद आप एक यूट्यूबर की तरह आप उसके वीडियोस बना रहे हैं और एक शॉर्ट टाइम में आप उसको चलाते हैं, देखते हैं और फिर अपना रह देते हैं न्यूट्रल। बट अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ रेगुलर तो प्लस और माइनस दोनों ही मैं बता सकता हूँ, तो वो भी आपका मैटर करता है कि एक जिसके पास चीज़ है, जिसने चीज़ खरीदी है आपकी और रेगुलर है, चला रहा है अपने ओनरशिप के थ्रू, उसको नेगेटिव बताने में भी क्या दिक्कत है। क्योंकि यार अगर कुछ आपने मेरे चैनल को क्यों आप फॉलो करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ। मैं अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बताऊँगा, प्लस है तो प्लस। इसमें हाँ डेफिनेटली मैं बताता हूँ उसके नेगेटिव फीचर ये हैं कि इसमें फीचर्स कम है कंपेरेटिवली अदर ब्रांड, बस डिस्काउंट भी अच्छा दे रहे हैं। और अगर आप इसको भगाएंगे 100 के ऊपर तो डेफिनेटली ये 12-13 से 14 का एवरेज देगी मैक्सिमम। बट अगर इसको आप प्यार से चलाएंगे तो ये उस हिसाब से आपको एवरेज देगी। डेफिनेटली मैं मॉर्निंग में एक बार कैमरा सेट करके दिखाऊंगा, तो आप एंड तक देखिएगा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा राइडिंग क्वालिटी है, जो मैं चलाता हूँ जिस तरह से गाड़ी को, उसमें क्या डिफरेंस है। और लोग बात क्यों क्लेम कर रहे हैं कि बस यार हमें तो 14 या 15 का ही एवरेज मिल रहा है हाईवे पे, तो मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, मैं क्यों कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हर चीज़ का एक वीडियो बना के दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आप किस तरह से गाड़ी को चलाएं। टेस्ट ड्राइव में डेफिनेटली हो सकता है उनके कुछ सेटिंग हो जो आपको एग्जैक्ट रीडिंग ना दे, आप चलाएंगे गाड़ी तो 25-30 का एवरेज दिखाए, 27 का। मैंने जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी गाड़ी की, तो मैंने पहले दिन ही इसका टेस्ट राइड में अराउंड 10-12 किलोमीटर चलाई थी मैंने, और उसमें मैंने निकाला था 27 का एवरेज। बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी ये गाड़ी चलाई है आफ्टर परचेज, तो एक महीने तक तो मुझे पता नहीं था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैंने 13-14 का एवरेज निकला मेरा। बट उसके बाद जब मैं समझ में आया और काफ़ी रिव्यूज किए उसके बाद, अब मुझे लगता है कि मैंने जो लास्ट एवरेज निकाला था 24.9 का सेम इसी रूट पे जिसमें मेरा ऑफिस से घर घर से ऑफिस था, 27 किलोमीटर करीब पड़ता है हमारा रूट, और इसमें अभी 37 मिनट दिखा रहा है। अगर ट्रैफिक होगा तो भी हम 22 का एवरेज निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी हम देखते हैं कितना आज करते हैं कोशिश। मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे कि आफ्टर वर्किंग आवर्स थोड़ा सा है ना, नॉट इजी टू मेक द वीडियो मॉर्निंग। 10 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद थोड़ा यार बहुत मुश्किल होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छी वीडियो बना पाए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में हम लौटते वक्त एक अच्छी सी वीडियो बनाएं और इसी वीडियो के साथ कंबाइंड करके आपको दिखा पाएं। तो चलते हैं फटाफट से और अभी आपको दिखाते रहेंगे वीडियोस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं 355 का एफिशिएंसी दिखा रहा है। आप दिखाते हैं हम
ऑडोमीटर पे आपको मैंने भी देखा नहीं है जब से हम चले हैं, ए मीटर जो हमारा एवरेज अभी चल रहा है 25.8। गाइस दिस इज अनदर रिकॉर्ड फॉर अस, 27 किलोमीटर अराउंड हम चले हैं और 25.8 का एवरेज, बिलीव करेंगे अब तड़ना पड़ेगा यार, दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये 25.8 और आपने देखा होगा ये मैं किस ट्रैफिक में लेके आया हूँ, आपने ट्रैफिक भी देखा, आपने रूट भी देखा और मैंने कोशिश करी है कि पूरा कवर कर पाऊँ रूट। तो चलते हैं फटाफट से अब ऑफिस और सुबह का एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे और इस रिकॉर्ड को भी कोशिश करेंगे तोड़ने की, और बने रहिए मेरे साथ टेक एक्सप्लोरर विपिन में अगर आपको और भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियोस देखनी है तो। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक। आज हो चुकी है वापस से मॉर्निंग, हमने रात में आपको दिखा चुके थे कि क्या मिला हमें माइलेज और काफी ट्रैफिक था, आपने देखा ही होगा। बस इस वीडियो को मैं इसमें इस दोनों वीडियो को मैं इसलिए अटैच कर रहा हूँ, रात वाली और अभी की वीडियो, क्योंकि जो मुझे लगता है कि अभी मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो टाइम लग रहा है घर जाने का, मुझे लग रहा है 33 मिनट्स और रात में था अराउंड 40 मिनट्स 27 किलोमीटर के लिए और हमें मिला था अराउंड 26 का एवरेज। तो अभी दिन में जब ट्रैफिक नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी ट्रैफिक की वजह से, जो हमें ट्रैफिक की वजह से माइलेज मिला था 26 का, उसको थोड़ा सा और रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। आई नो इट्स नॉट ईजी बट कुछ लोगों को मेरे को लगता है कि दिखाना बनता है यार कि हम माइलेज निकाल सकते हैं टर्बो इंजन से भी। तो चलिए अभी संडे की शुरुआत करते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप प्लीज़ कमेंट इसी वीडियो पे करिएगा और चलिए दिखाते हैं। चलिए अपना गूगल पे लोकेशन और यू कैन सी 33 मिनट्स दिखा रहा है 27 किलोमीटर के लिए, और अगर हम वापस से ऑडोमीटर पे जाएं तो ये अभी हमने एड्रेस पे गाड़ी खड़ी कर रखी है तो कम हो चुका है एवरेज, तो हम इसको वापस से करते हैं ज़ीरो। डन, अभी जीरो हो चुका है, अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम इसको सेटअप भी करते हैं जिससे कि आपको इसमें रीडिंग दिखती रहेगी कि कितना माइलेज हमें मिल रहा है और कैसे हमें गाड़ी। ओके गाइस, तो हम चलते हैं, अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैप्चर कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ कि हमारा पैटर्न क्या रहता है गाड़ी चलाने का। तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है इसको जीरो पे और अभी आपको चलाते हैं आरपीएम पे। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट। मैं बिल्कुल नॉर्मल दिखाऊंगा जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, अपनी कोशिश हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए बट हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम वही चीज़ दिखाएं जो मैं कर रहा हूँ और जिसके वजह से मुझे माइलेज मिल रहा है। तो मैंने कोशिश करी है कि ये कैमरा सेटअप सही तरीके से काम करे। आज है संडे मॉर्निंग और अभी भी तब हमें दिखा रहा है 32 मिनट, तो होप सो ये टाइम से भी कम लगना चाहिए हमें। Continue for 1.5 kilometers. सकते हैं कि मेरे गियर शिफ्टिंग प्लस आरपीएम जो भी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको दिखाने की कि व्हाट इज़ द पैटर्न, क्या पैटर्न है मेरा गाड़ी चलाने का और गाड़ी कितना इजीली आप चलाएं तो ही आपको एवरेज मिलेगा ये जो मैं बताता रहूं। तो कोशिश मेरी रहेगी, आप दोनों चीज़ दे सकते हैं ऑन रोड एंड ऑडोमीटर पर भी, बाकी आप बताइएगा मुझे कि आपको कुछ और डाउट्स हैं इसमें। तो आरपीएम इसका जो टर्बो हिट होता है वो 1750 आरपीएम पे होता है, मैं कोशिश करता हूँ इसको 1500-1600 तक ही रखने की, बाई चांस ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत डिपेंड ऑन कंडीशन। बाकी अगर और दूसरी गाड़ियों का जो टर्बो हिट होता है वो 3000 प्लस आरपीएम पे होता है, बट ये ही एक ऐसी गाड़ी है जिसका टर्बो आपको 1750 के बाद आप फील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस चला रहे हैं
तो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों के आरपीएम में, जो दूसरी गाड़ियां हैं और हमारी सिट्रोन के में एयरक्रॉस में, तो इसीलिए एवरेज निकाल पा रही है, क्योंकि 1500 आरपीएम पे भी ये बहुत ही स्मूथ आपको पिकअप देता है। 1750 के बाद तो इसका पावर स्टार्ट हो जाता है और आप 2000 आरपीएम पे इसको स्पोर्टी मोड कह सकते हैं, इसमें कोई मोड्स नहीं है। तो जो भी आपके मोड्स आप एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके इसके आरपीएम पे डिपेंड होता है कि आप कौन से आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हैं, सारे मोड्स उसी पे डिपेंड होते हैं। नो स्पोर्ट्स मोड, नथिंग माइलेज, कोई इको मोड नहीं है इसका, जो मोड है सारे इसके आपके पैडल पे शिफ्ट भी रहते हैं कि आप कितना पैडल शिफ्ट इजीली आप करते हैं यूज। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कुछ यूनिक वीडियो बनाने की, कुछ नया जिससे कि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल पाए इस गाड़ी के बारे में, और कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स क्लियर हो पाए, कुछ रॉन्ग साइड में आने वाले लोगों की कमी नहीं है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैंने डैश कैम लगवाया हुआ है ताकि गलती किसी की भी हो पता चल पाए और उसके बाद में इतना इशू ना रहो, क्योंकि कुछ लोग प्रूफ ना होने की वजह से ही गलत होते हुए भी आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके ध्यान रखनी होती हैं। अभी हमारे पास चलो नुकसान होगा अलग बात है, बट डैश कैम होने से बहुत सी चीज़ें आपको इनोसेंट भी प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, आप और कोई क्राइम हो रहा है वो भी कैप्चर हो जाएगा आपकी गाड़ी में विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट के। So around 1500 RPM we touched. थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग करने के बाद ये इसमें बैलेंस रह सकता है, क्योंकि इसी थ्री एयरक्रॉस में हमारे 6 गियर हैं, तो उसी वजह से ये हम 80-90 की स्पीड पे भी हम 1500 RPM मेंटेन कर पाते हैं। कंडीशंस आपकी डिपेंड करती है ट्रैफिक पे, आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, कि आपका माइलेज क्या जाएगा और आप किस तरह से, ये मेरी कुछ बंदिश नहीं है इसको बोल सकते, बट मैं एफर्ट अपना पूरा लगाता हूँ कि गाड़ी को एंजॉय करता हूँ, चलाता हूँ, काफ़ी लाइट पेडल यूज़ करता हूँ और साथ में गाड़ी का माइलेज निकले अच्छा, वो तो एक एडिशनल एडवांटेज है, अलग से एक आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है अगर आप सब कुछ सही करते हैं, और उसके बाद आपको सेविंग्स होती है, माइलेज मिलता है अच्छा, तो ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं आपकी। हमारा डास ने स्टार्ट कर दिया काम अपना, संडे ज़रूर है बट आप देख सकते हैं ट्रैफिक का हाल तो वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है क्योंकि हमें 24 मिनट दिखा रहा है अभी 22 किलोमीटर के, बाकी हम अपना छठा गियर डालते हैं और उसके बाद मेंटेन करेंगे स्पीड अपनी 1500 आरपीएम के आसपास। क्योंकि मेरा ध्यान अभी मोस्टली कैमरे पे है, दोनों कैमरे जो मेरे काम करवा रहा हूँ, तो हो सकता है ट्रैफिक को मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सीलेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ये ज़रूर है कि दिन में हमें शायद ट्रैफिक रात की तुलना में कम मिलेगा एवरेज, क्योंकि अभी मुझे डबल कैप्चरिंग कर रहा हूँ, कैमरा मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है और इन सब चीज़ों को ध्यान रखे और गाड़ी का स्पीड भी मेंटेन करनी होती है हमें, ऐसा नहीं कि हम 40-50 की स्पीड पर चला सकते हैं इस हाईवे पे, सो सब कुछ फ्लो में चलता रहे और आपका हर चीज़ मेंटेन होती रहे, तो ये सब चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। 6 गियर में हम चल रहे हैं
एज पर रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कह रहा है कि गियर को लो करिए क्योंकि गाड़ी की इसके अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्शन है, एक स्पीड के बाद ही आपको रिकमेंड करता है। अभी ये 65 की स्पीड पे मुझे कह रहा है गाड़ी का 6 गियर से आप नीचे करिए, 5 में करिए, बट इतना एफर्ट पड़ेगा नहीं अगर हम इसी स्पीड पे गाड़ी के 6 गियर में चलते हैं, क्योंकि गाड़ी आपको खुद ही फील कराती है कि आपकी स्पीड कम है गियर के नंबर के हिसाब से। तो अभी बहुत स्मूथ चल रहा है हमारा काम, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, सो डोंट नीड टू शिफ्ट द गियर। किसी गाड़ी को ब्लेम करना बहुत इजी है मार्केट में, आप कह सकते हो रीज़न बहुत सारे हैं इसको ना लेने के, फीचर्स कम हैं, सर्विस सेंटर कम है, बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं, लोग कहते हैं ख़राब है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हमने अभी एसी यूज़ नहीं किया है गाड़ी में, मॉर्निंग टाइम है तो एसी का मुझे इतनी नीड नहीं है, एक ये रीज़न है। सेकेंड ये आप कैबिन की नॉइज़ सुन सकते हैं, मैंने सारे अपने विंडोज़ बंद कर रखे हैं गाड़ी के, और आप कैबिन की नॉइज़ आप कैप्चर कर सकते हैं और कितनी आ रही है आपको इस गाड़ी इस वीडियो में। थोड़ा बहुत बाहर का सराउंडिंग वैसे साउंड नहीं आता है, बट जब बूमिंग होती है गाड़ी के टायर्स की और आसपास की एनवायरनमेंट की वो ज़रूर आपको फील होगी, अदरवाइज़ गाड़ी का कैबिन बहुत साइलेंट है। कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं जिनके पास C3 एयरक्रॉस है कि उनके कैबिन में इशू आ रहा है, नॉइज़ आ रही है कोई सस्पेंशन का, तो मैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप सर्विस सेंटर में जाइए, पहले खुद अपना एक R&D कीजिए कि किस पार्ट से इशू आ रहा है। अगर सस्पेंशन से आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सस्पेंशन के अलावा कुछ और चीज़ ना आवाज़ कर रही हो, तो एक बार आप दिखा सकते हैं। मेरी गाड़ी को ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं और हम एक ऑलरेडी लंबी ट्रिप कर चुके हैं और ये 2200 किलोमीटर कुछ चल चुकी है हमारी, तो इतनी ट्रिप करने के बाद 2000 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी में क्या कंडीशन है गाड़ी की चलने के टाइम पे। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो पूरी बना पाऊँ, बिकॉज ऑफ मुझे लगता था कि मैं कट करता हूँ वीडियोस को, बट पॉसिबल मुझे लगता है नहीं क्योंकि मेरा इंस्टा 360 इतनी लंबी वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, इट्स गेटिंग हैंग। तो थोड़ी देर में मैं इसको वापस ऑन करता हूँ, फॉर अ टाइम बिंग हम इसको थोड़ा बंद करते हैं जिससे कि हमारा कैप्चर होना बंद पाए और ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो पाए।
पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे और जल्दी से देखते हैं अभी क्या निकला है हमारा माइलेज। आई एम नॉट श्योर कि रात इतना निकला होगा। ओ माय गॉड, यू कैन सी व्हाट आई सेड, 28 का माइलेज निकला है यार। लेट्स शो यू द राइट। वी रिकॉर्ड मेड द रिकॉर्ड अगेन। सो 28 का माइलेज निकला, अभी आइडल पे खड़ी है तो 27.9 हो गया, बट 28 का माइलेज निकाला हमने आज। और आपने देख लिया भाई कि क्या कर सकती है गाड़ी। 28 का माइलेज क्या कह रहे हो, अब बताओ। अभी और रिकॉर्ड तोड़ने के लायक हम बच रहे हैं, थोड़ा सा और थोड़ा टाइम रुकिए। हमारा एक ट्रिप और प्लान है 1 दिसंबर को यूपी का, और उस हाईवे पे क्या निकाल सकते हैं वो अपना डिपेंड करता है। बट अभी 28 का माइलेज आपने देखा भी जस्ट प्रूफ के साथ विद ऑडोमीटर की रीडिंग के साथ। अब आप बोलिए और बताइए कि इस गाड़ी के और क्या करवा सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी चलते हैं फटाफट से, और अभी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आई थिंक बहुत से लोग जो ऑलरेडी जानते हैं इस फीचर्स के बारे में तो, और इस कैपेसिटी जो इस गाड़ी कर सकती है उसके बारे में, तो उनको तो बोरिंग लगेगी वीडियो। बट जो लोग नहीं जानते थे, जिनको पता नहीं था कि यार एक SUV, मिड SUV और वो भी 28 का एवरेज, अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं हो सकता था। वो करके दिखाया और आगे भी करेंगे कुछ नया कुछ स्पेशल, C3 एयरक्रॉस के साथ सीट्रॉन की। बाकी आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस सीट्रॉन के ऊपर है। बट बीच बीच में हम दूसरे टेक वीडियोज भी डाल देते हैं, जैसे रिसेंटली हमने पोको का मोबाइल का हमने वीडियो डाला। आप कुछ नए वीडियो बनाते हैं और डालेंगे डेफिनेटली कुछ, इसमें हमने और भी चीज़ें R&D करनी है, कुछ एसेसरीज लगवानी है, उसके वीडियो भी हम डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक एक्सप्लोरर विपिन फॉर अ टाइम भी। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय भारत।